आज पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम नजर आई। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। जलाभिषेक का कार्यक्रम शाम के समय भी जारी है। श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। उत्तराखंड से इन आठ तस्वीरों को आप देख रहे हैं, आठ शहरों की है। हरिद्वार के मंदिरों में जलाभिषेक करते श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही राजधानी देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश, जोशीमठ और लक्सर की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। हर जगह एक जैसा ही नजारा है। श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा और चंपावत पहुंचकर भगवान शंकर की आराधना की। मुख्यमंत्री धामी ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की शिव आराधना। महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री धामी की शंकर भक्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के चकरपुर स्थित बनखंडी महादेव मंदिर में जल अभिषेक किया। सीएम धामी ने भोलेनाथ से राज्य की खुशहाली की कामना भी की। विघ्न बाधाएं, तमाम प्रकार के संकट, तमाम प्रकार की आपदाएं, भगवान शिव हमको उनसे निवारण करें, हम सबसे मुक्ति दें और हम सब पर कृपा करें। और भगवान बाबा केदार के कपाट भी खुलने हैं, चार धाम यात्रा भी चलनी है। समुची तैयारियां और समुचे प्रबंध किए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सात दिवसीय मेले का फीता काट कर उद्घाटन किया। खटीमा के बाद सीएम धामी ने चंपावत पहुंचकर सप्तेश्वर महादेव की आराधना की। सीएम ने सप्तेश्वर महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी लोगों के साथ पारंपरिक गीतों पर झूमते नजर आए। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से अनुज के साथ खटीमा से धीरेन्द्र की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर देहरादून में कांग्रेस ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए जलाभिषेक किया। कांग्रेस कार्यकर्ता मंदिर पहुंचे, महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक किया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में भर्ती गड़बड़ी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, ना ही सीबीआई जांच कराना चाहती। जायज मांगे बट उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और उसके बाद जो प्रदेश में दिन ब दिन महिलाओं पे हत्याएं हो रही हैं, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और भाजपा इन चीज़ों से सीख नहीं ले रही है। इसीलिए आज हम लोगों ने भगवान शिव के द्वार पे आए हैं और हमने जलाभिषेक कर उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए, इनको भगवान ने सद्बुद्धि दे और आने वाला समय जो है वो सुधर पाए, इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पे जलाभिषेक किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।